हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म बताने जा रही हूँ। इस टॉपिक पर कुछ और वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। किसी मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर सकते हैं, वो है रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। बस हमें ये ध्यान रखना होता है, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हों तो पूरा रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व कर लें, देन हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे तब हम रो को टच नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हमेशा रो और कॉलम में कॉमन होते हैं। तो एट अ टाइम आप या तो रो यूज करेंगे या कॉलम, बट कंप्लीटली मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए आप रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना लेते हैं, उसके थ्रू या तो हम कॉलम्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को 0 बना लेते हैं या रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को 0 बना लेते हैं। अगर हमने कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स को 0 बनाया है तो हम आसानी से इसके नीचे के एलिमेंट्स को भी 0 बना सकते हैं। उसके बाद हम A22 पोजीशन पर 1 बनाते हैं और उसके थ्रू कॉलम वाइज 0s बनाते हैं, देन रो वाइज 0 बनाते हैं। इसमें हम ऑर्डर पहले रो वाइज 0 बनाना फिर कॉलम वाइज 0 बनाना ऐसा भी ले सकते हैं। फिर A33 पोजीशन पर 1 बनाएंगे, उसके नीचे 0 बनाएंगे और उसके राइट साइड में 0 बनाएंगे, देन A44 पोजीशन पर 1 बनाएंगे। अगर यहाँ पर 1 बनता है देन रैंक 4 हो जाएगी, 4x4 मैट्रिक्स है और 4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है, इस वजह से I4 मिला है। अगर यहाँ पर 1 नहीं आता, ये 0 हो जाता है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर मिलेगा और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 मिल जाएंगे। अगर हमें रैंक 2 मिल रही है यानी कि I2 मिल रहा है तो I2 के अलावा बचे हुए सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, जिसे हम एक सिंगल 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरह के फॉर्म्स पॉसिबल हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ 1 अवेलेबल है रोज या कॉलम्स में फर्स्ट पोजिशन पर। तो यहाँ 2 -1 है जिनको हम आगे ला सकते हैं, और या फिर ये +1 है, इसे भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो इजी ये रहेगा कि हम सेकेंड रो फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर लें। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे R1 इंटरचेंज इनटू R2 और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7। अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को हम 1 बना चुके हैं, यानी इस तरह से हमने 1 बना लिया। अब इस 1 के थ्रू हम कॉलम वाइज या रो वाइज 0s बनाएंगे फर्स्ट एलिमेंट को। मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज 0 बनाए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर मैंने 3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हैं। इसमें मैंने C2 को चेंज किया है C2 + C1, जिससे इस पोजीशन पर 0 बनेगा। दूसरा C3 लिया है, C3 में यहाँ पर -2 है तो हम इसे 2 टाइम्स करके ऐड करेंगे, तो +2 × C1। C4 में हम चेंज करेंगे C4 + यहाँ -4 है तो इसलिए ये 4 टाइम्स होके आएगा, 4 × C1। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक ही साथ में किए जा सकते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा 1 2 3 6, क्योंकि ये कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो चेंजेस आएंगे इन एलिमेंट्स में आएंगे। तो यहाँ पर -1 -2 और -4, ये तीनों प्लेसेस पर हमने 0 लाने के लिए प्रोसेस किया, तो यहाँ तीनों जगह 0 आ जाएंगे। सेकेंड कॉलम यानी कि C2 है -1 3 1 3, इसमें हमने ऐड किया है C1, तो +C1 अगर हम करते हैं तो 1 2 3 6 इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ गया, देन 3 + 2 5 आ जाएगा, देन 1 + 3 4 एंड 3 + 6 9। सिमिलर मैनर में C3 है -2 -1 3 0, और हम करना चाह रहे हैं +2 × C1, यानी फर्स्ट कॉलम में हम
2 का मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेंगे। 2 टाइम्स C1, 2, 4, 6 एंड 12, और इसे ऐड करने से हमें 0, 3, 3 प्लस 6, 9 और 0 प्लस 12, 12 मिल जाएगा। तीसरा जो है वो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम में -4, -1, -2 एंड -7 है, जिसमें हम 4 टाइम्स C1 कर रहे हैं, यानी फर्स्ट कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 टाइम्स C1 ऐड किया, यहाँ आ जाएगा 4, 8, 12 एंड 24, इन्हें ऐड करेंगे, -4 प्लस 4, 0, -1 प्लस 8, 7, -2 प्लस 12, 10, -7 प्लस 24, 17, और ऐसा करने से जो फर्स्ट कॉलम है उसके थ्रू यहाँ तीनों प्लेसेस पर हमने जीरो बना लिए हैं। अब हमारा इंटेंशन है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, जिसके डायगोनल में 1 होते हैं और बाकी सारे जीरोस होते हैं, तो इस वजह से हम नीचे तीनों प्लेसेस पर जीरो बनाएंगे। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे R2-2 टाइम्स R1, R3-3 टाइम्स R1, R4-6 टाइम्स R1। ऐसा करने से यहाँ तीनों प्लेसेस पर जीरो आ जाएगा और इन जीरोस की वजह से इतने एलिमेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, तो इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं 1000, यहाँ तीनों प्लेसेस पर जीरो और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज। अब हमारा इंटेंशन होता है कि हम इस प्लेस पर 1 बना लें, बट यहाँ एग्जैक्टली हमें दिख रहा है कि 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 9 12 एंड 7 प्लस 10 17 है, तो लास्ट वाली रो प्रीवियस 2 रोज से बनी हुई है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली 0 बना लेते हैं। R4 में चेंज करेंगे, R4-R2+R3, दो रोज को ऐड करके तीसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे हमें मिल जाएगा 1000, 05, 37, क्योंकि सेकेंड रो के थ्रू हम चेंज कर रहे हैं तो सेकेंड रो अनचेंज रहेगी, इसी तरह से थर्ड रो भी अनचेंज्ड रहेगी, और फोर्थ रो में चेंज कर रहे हैं और वो इक्वल चेंज है, इस वजह से यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब हम A22 पोजीशन को 1 बना लेते हैं। इसके लिए हम सेकेंड रो में चेंज करेंगे R2-R3, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1000, 0, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें हमारे पास R2 है 0537 एंड उसमें से हम R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि माइनस का साइन लगा रहे हैं, तो यहाँ 0-4-9 and -10 आ जाएगा, तो इस वजह से जो हमें मिलेगा वो होगा 0 1 3-9 -6 और 7-10 -3, तो 0 1 -6 and -3। इसके बाद 0 4 9 10 एंड ऑल जीरोस। अब हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उसके अकॉर्डिंग इस 1 को बना के इधर 0 बना लिए हैं, नीचे जीरोस बना लिए हैं, सेकेंड हमने यहाँ पर 1 बना लिया है, अब नीचे जीरोस बनाने हैं और इधर जीरोस बनाने हैं, तो इसके लिए हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ ऑलरेडी एक 0 है इसलिए अब हम इस 4 को 0 बनाएंगे, तो R3 में चेंज करेंगे R3-4 times R2। अब हम R1 का कहीं भी यूज नहीं करेंगे और C1 का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने R1 या C1 को यूज किया तो इन पोजीशंस पर एलिमेंट आ जाएंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पर इस 1 से हम इस 4 को 0 करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने R3 में चेंज किया है, R3 हमारे पास है 0 4 9 10 और R2 को 4 टाइम्स किया है, तो -4 times R2 हम इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ आ जाएगा -4 और -4 into 6 एंड -4 into -3 और इससे हमें मिलेगा 0 0 24 plus 9 33 एंड 12 plus 10 22 एंड रिड्यूस मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 0 0 1 -6 -3 0 0 0 33 22 एंड ऑल जीरोस। अब जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा
उसमें हम इस वन के थ्रू इन दोनों पोजीशंस पर जीरो बनाएंगे। अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे C3 प्लस 6 टाइम्स C2 एंड C4 प्लस 3 टाइम्स C2। ऐसा करने से इन दोनों पोजीशंस पर जीरो आ जाएगा। बाकी एलिमेंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बचे हुए सारे एलिमेंट्स इस कॉलम में जीरो हैं। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 0 0 1। यहाँ दोनों प्लेसेस पर हमने जीरो बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो जीरो आ जाएगा। 0 0 33 22 एंड ऑल जीरोस। अब यहाँ पर 33 और 22 सेम पोजीशन पर लाइक कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स जीरो है, तो इस वजह से हम इनमें से किसी एक को हटा सकते हैं। तो लास्ट वाले कॉलम को रिमूव करेंगे, बट उससे पहले हम कॉलम्स को रिड्यूस कर लेंगे। तो C3 में हम डिवीजन कर रहे हैं 33 का और C4 में डिवीजन कर रहे हैं 22 का। तो इससे हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 and 0 0 0 0। अब लास्ट टू कॉलम्स सेम हो गए हैं, इनमें से हम कॉलम 4 को जीरो बना सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे C4 - C3 और रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and all zeros। ऐसा करने से लास्ट का कॉलम जीरो हो गया है, लास्ट रो भी जीरो हो गई है और जो रिमेनिंग है वो एलिमेंट्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, इसलिए हम लिख सकते हैं I3 एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0। यहाँ पर किस ऑर्डर के जीरो बचे हैं उससे मतलब नहीं है, जस्ट हम उसे जीरो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास एक I3 है और बाकी सारे जीरोस हो गए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर नॉर्मल फॉर्म में इसकी रैंक को शो करता है, देयरफॉर रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3। नॉर्मल फॉर्म के पैटर्न्स के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप चाहें तो नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन और उसके पैटर्न के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।